नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बढ़ रहा है कोरोना। राजधानी रांची समेत कई जिलों की स्थिति चिंताजनक। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड में सख्त निर्देश जारी किए हैं। सावधानी व सतर्कता बढ़ाई जा रही है। कोरोना हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम का एक्टिव केस 23 अंक में आ गया है। रांची का एक्टिव केस 452 हो गया है, वहीं पूर्वी सिंहभूम का एक्टिव केस 179 तक पहुंच गया है। इसके अलावा राज्य के 11 जिलों के एक्टिव केस का आंकड़ा 23 अंक में पहुँच रहा है। धनबाद, गुमला, बोकारो व साहिबगंज की स्थिति बिगड़ रही है। रिम्स में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर तापस कुमार कहते हैं कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि लापरवाही के कारण हो रही है। गाइडलाइन का लोग सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना को लेकर आप लोग भी अनुशासन में रहें और गाइडलाइन का पालन करें। मौसम विज्ञान के आधार पर शुक्रवार को राजधानी रांची का मौसम सुबह से ही मुख्य रूप से साफ रहा। तेज धूप और हल्की हवा के कारण मौसम सुहाना बना रहा, मगर मौसम विभाग के अनुसार लोगों को दिन में तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। आज राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं राज्य के दूसरे जिलों में भी तेज गर्मी पड़ी। विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे ज्यादा गर्मी राज्य के दक्षिणी जिलों में पड़ी। हालांकि होली के दौरान 28 और 29 मार्च को रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे शहर के अधिकतम या न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक राज्य में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना भी नहीं रहेगी। वहीं अगले महीने के दूसरे सप्ताह में राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में तेज गर्मी पड़ेगी। पहले सप्ताह ही राज्य का औसतन तापमान 34 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं दूसरे सप्ताह में औसतन तापमान 35 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम मुख्य रूप से साफ रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर में 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के वर्तमान विधानसभा सत्र में लिए गए कई अहम फैसले। भारी हो हल्ला के बावजूद विधानसभा का वर्तमान बजट सत्र कई मायनों में अहम रहा। विपक्ष के कड़े तेवरों के बीच सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पास करने में सफल रही। इस दौरान खूब राजनीति हुई। सत्ता पक्ष की कई बार तब काफी किरकिरी हुई जब उन्हीं के विधायकों ने कानून व्यवस्थाओं से लेकर अवैध खनन पर सवाल उठाए। सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष को जरूर निराश हाथ लगी जब वह अपने सबसे महत्वपूर्ण यानी कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण विधेयक को पास करवाने में असफल रही। इस विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद झामुमो कांग्रेस के विधायकों में भी शंकाएं हैं। यह बेहतर ही हुआ कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया गया। राज्य में उद्योग धंधों में निवेश बढ़े इसके लिए जरूरी है कि सभी आशंकाओं को दूर कर ही इस विधेयक को विधानसभा से पास करवाया जाए। झारखंड के 10,000 होमगार्ड जवान धरना पर रांची में किया सड़क जाम। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे होमगार्ड जवानों का आंदोलन शुक्रवार को और अधिक व्यापक हो गया। राज्यभर से करीब 10,000 होमगार्ड जवान आंदोलन में शामिल होने के लिए पुदांग स्थित धरना स्थल पहुंच गए। इसमें करीब 2500 महिलाएं शामिल हैं। गर्मी बढ़ने के कारण आंदोलनकारियों की परेशानी बढ़ रही है। जिला प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों के लिए महज एक टैंकर पानी की व्यवस्था की गई है। इसके विरोध में आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। कहा जा रहा है कि जब तक पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी आंदोलनकारी वापस नहीं लौटेंगे। धुरवा डैम के पास सड़क पर बैठकर आंदोलनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। होमगार्ड जवान बिहार की तर्ज पर झारखंड में जवानों को सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। जवानों के हड़ताल पर चले जाने के कारण रांची में सदर अस्पताल से लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थाएं की सुरक्षा चरमरा गई है। आंदोलनकारियों ने घोषणा की है कि शुक्रवार को संगठन के पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। इसमें आंदोलन को पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रांची के राज हॉस्पिटल में लगी आग, वार्ड से मरीजों को निकाला गया बाहर। राजधानी रांची के राज हॉस्पिटल में शुक्रवार की सुबह 5 बजे शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग 7वें फ्लोर के नर्सिंग काउंटर पर लगी थी। इसके बाद 7वें और 8वें तथा 9वें फ्लोर पर धुआं भर गया। आपात स्थिति को देखते हुए तत्काल अस्पताल प्रबंधन ने 7वें और 9वें फ्लोर पर भर्ती मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर बैठाया। तत्काल अस्पताल की टीम सक्रिय हुई और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग नर्सिंग काउंटर तक ही सीमित रही, लेकिन धुआं अधिक भर जाने के कारण केबिन और वार्ड से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं अग्निशमन सेवा की टीम के आने तक आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया।
करीब 1.5 घंटे तक मरीज और मरीजों के परिजन अस्पताल से बाहर रहे। स्थिति नियंत्रण होने के बाद उन्हें अब वार्ड में शिफ्ट कराया जा रहा है। करीब 40 की संख्याओं में इन मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया था। इसके साथ ही संध्या समाचार में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।